ओम श्री हनुमान, श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। यह सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं। सूर्य सभी को रोशन देता है, सूर्य ना हो तो पूरा संसार, पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए। आपको तेज देता है, ओजस्विता देता है, आपकी हड्डियों को ताकत देता है, विटामिन डी देता है, तेज ओजस्विता। और सूर्य का जो संबंध है, पूर्व दिशा का स्वामी है अग्नि तत्व, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, यानी काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को पिता कहा गया। अगर आपकी स्थिति, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है, उच्च पदों की प्राप्ति कराता है, नेम फेम यश मान सम्मान धन दौलत उच्च पदों की प्राप्ति। जातक जहां जाता है, अग्रगण्य रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है, जातक सूर्य के समान चमकता है। और राज्य पक्ष में सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की प्राप्ति, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त, यह सब सूर्य से प्राप्त होता है। अशुभ स्थिति होने पर, बहुत प्रयत्न करने पर, मेहनत करने पर, अच्छा कार्य करने पर, अच्छा सोचने पर भी समय समय पर उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता और जातक को आप यश का भागीदार भी बनना है। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, अब तक सूर्य कर्क राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 अगस्त दोपहर 1:32 पर अपनी स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो अपनी स्वग्रही राशि में प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन किन किन राशियों को बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी, यह इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फ्राजे चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित काम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री गुरु। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों को ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभ अशुभ प्रभाव। यहाँ पर सूर्य आपके दशम भाव में ट्रांजिट करें, जो कि बहुत अच्छी स्थिति अपनी राशि में। सबसे पहले तो यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा डेयरिंग और बोल्डनेस आपके अंदर उत्पन्न होगी। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। धैर्य और संयमता का परिचय देते हुए निर्णय लेकर आप कोई भी कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। करियर व्यवसाय को लेकर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, उसमें कोई बदलाव चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन करना है, बिजनेस में परिवर्तन करना है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ जितने एफर्ट, जितनी मेहनत, जितना प्रयत्न आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप यहाँ पर लाभ गेन करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन जहां से आपका पैसा आता है, धन आता है, बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़े मतलब क्या है कि टेम्पररी तौर पर बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी होगी, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे भी लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे। लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरते हैं, अपने छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी पड़ोसी वेलविशर मिलने जुलने वाले लोग आपके शुभ चिंतक, उनसे अपने संबंधों को ठीक रखें, नहीं तो उनकी तरफ से कोई बात खराब हो सकती है, कोई माहौल खराब कर सकता है। संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी, आपकी संतान को तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। संतान की तरफ कोई संतान का आपका विवाह शादी का संबंध या उनके नौकरी में बिजनेस में या पढ़ाई में तरक्की उन्नति, ओवरऑल संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, कोई मास्टर्स करना है, कोई डिग्री करनी है, कोई कोर्स करना है, प्रयास रखते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अचानक से कोई आपको ब्लैक मनी की, आपको गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। साथ में यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है मित्रों, जो जातक विदेशों में, उनको भी तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लाभ गेन करेंगे, नए संबंध में कॉन्टैक्ट बनेंगे आपका, विदेशों में अगर कोई संबंध रुका धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है वहां से भी आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। तो थोड़ा सकारात्मक सोच बनाए रखें, किसी भी नकारात्मक सोच से बचे और छोटी मोटी यात्राओं में सावधानी बरते, यही प्रिकॉशन आपको लेनी है। और मित्रों, ये जो फलादेश है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, चंद्र राशि पर है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस। एक बार आप अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, जब दोनों चीजें टैली होती हैं तभी शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलता है, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से। अगर
वृश्चिक राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर देखो आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही तब संभवतम मान के चलिए यह सूर्य का परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक तरक्कीदायक वृत्तिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है आपके पक्ष में नहीं है तब संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी कठिनाइयां परेशानियां भी क्रिएट हो सकती है। तो मित्रों उपाय के तौर पर आप यहाँ पर प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें सिंपल और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें तो थोड़े बहुत दुष्प्रभावों से बचेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके सशक्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।